हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो 5 में। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में, सऊदी अरब में किसी भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आप जब आप अपना अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट खोलने के बाद आप अपना एटीएम कार्ड अप्लाई कर देते हैं, तो आप इंतज़ार करते हैं कि कितने दिनों के बाद हमारा एटीएम कार्ड हमारे एड्रेस पे या हमारे जो हमने एड्रेस दिया हुआ है या हमारा जो पता दिया हुआ है उस पर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपका एटीएम है वो डिले हो जाता है, वो देर में आता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी बैंक का, जिस बैंक का आपने एटीएम कार्ड अप्लाई किया है, अकाउंट खोला है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा एटीएम कार्ड कहाँ पहुँच गया है। तो आज वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आज मैं ये वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एटीएम कार्ड का पता कर सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ है। तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं जाना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हमको समसा का जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर इंग्लिश और अरबी दोनों होता है तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर साइड में देखते हुए जाऊँगा फिर इसको क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए मोबाइल नंबर हम डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर जो तीर का निशान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा। तीर के निशान पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का कोड आएगा, तो वो कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ये मैंने 4 डिजिट का कोड डाल दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों डालना होगा आपको। चलिए मैं डालता हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए जो तीर का निशान बना हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चूज़ पासवर्ड, अब आपको अपना कोई पासवर्ड बनाना होगा, जो आप बाद में ऐप ओपन करेंगे तो वो पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना होगा। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर एक पासवर्ड बना सकते हैं, जो अभी आपको पासवर्ड अच्छा लगे वो पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एक पासवर्ड बना लेते हैं, ऐसे ही आप भी कोई इस पासवर्ड बना सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने डाला, फिर मैंने यहाँ पर तीर के निशान पर क्लिक करूँगा। तीर पे निशान के पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो समसा ऐप है वो ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए होम के जस्ट बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रैक नंबर, ट्रैकिंग नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। जो ट्रैकिंग नंबर वही आपको डालना होगा, ठीक है, या तो आपके अब यहाँ पर देखिए मेरे एक समसा का नंबर आया था जो ट्रैकिंग नंबर है, मैं यहाँ से वो कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जब मैं यहाँ से जो अभी आपके समसा हो या SMS आया होगा आपके पास ट्रैकिंग नंबर का, वो आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको समसा के ऐप जो अभी मैंने दिखाया था ट्रैक पे उस पर आपको डालना है, उस पर पेस्ट कर देना है इसको। पेस्ट करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपका ये एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पर लेटर लिख के आ जाए, दिस ट्रैकिंग नंबर इज़ नॉट फाउंड, प्लीज़ चेक अगेन लेटर। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर आप जो भी डालें तो वो सही नंबर डालें तब आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि आपको जो भी आप ये ऐप लोड कर लो, उसको ऐप लोड करके फिर इसको चालू कर लो। अगर आपके पास आता है तो आप उसको 1-2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर जैसे आपका है वो ट्रैकिंग करना है, आपको देखना है तुरंत, अब वो ट्रैकिंग नंबर आप यहाँ पर ट्रैकिंग पे डाल दो और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी पार्सल या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी पहुँच चुका है। तो आप इस तरह से अपना पार्सल या अपना ATM कार्ड किसी भी बैंक का हो वो आप पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो मेरी नई वीडियो आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।